हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मोनू। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको सिखाने वाले हैं दोस्तों डीजे में न्यू एवी प्ले लाइट टेम्पल दोस्तों बनाना सिखाने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में पासवर्ड है दोस्तों, आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरी वीडियो देखना है। अगर वीडियो आपने हल्की सी स्किप की तो आप ये टेम्पल दोस्तों बनाना नहीं सीख पाएंगे, कि दोस्तों न्यू टेम्पल हम आज आपको बनाना सिखाने वाले हैं। और ठीक है दोस्तों, प्लीज अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा देना। इससे क्या होगा, जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको दोस्तों सबसे पहले मिले। दोस्तों ज़्यादा बातें नहीं करते, चलते अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों आपको करना सिर्फ पेंसिल का आइकन पर क्लिक करना है। दोस्तों आपको ये वाला टेम्पल का लिंक मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा दोस्तों, ये कहते हैं हमारा खाली टेम्पल का लिंक पर। दोस्तों आपको ये वाली इफेक्ट दिख रही है ना दोस्तों, ये वाली आपको इस तरीके से यहाँ पर लगा लेने के बाद दोस्तों क्या करना है आपको, एक यहाँ से दोस्तों इस तरीके से ये वाली इमेज दिख रही है, आपको इमेज उठा लेनी है दोस्तों। इमेज उठाने के बाद दोस्तों क्या करना है, फिर आपको सबसे नीचे वाला जो सेटिंग ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है दोस्तों, आपको सबसे पहले फिर इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर आपको क्या करना है, फिर दोस्तों दोबारा आपको ये सबसे ऊपर की तरफ वाला ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है फिर। ठीक है दोस्तों, अपनी पहली वाली इमेज पर जाके इस पर इस दोस्तों से टिक को मैं बंद कर देता हूँ। आपको करना है दोस्तों, ये सेटिंग जो हमने ली है ना इसके अंदर दोस्तों, ये वाली दोस्तों जो हमने सेटिंग यहाँ के अंदर जो ली है हमें दोस्तों यहाँ के अंदर यहाँ पे इस तरीके से क्लिक कर देना है। और दोस्तों ये हमारे सामने सेटिंग आई है, जो हमारे पास इंटरफेस आया सबसे पहले खुल के, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको जो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे क्लिक करना है इस तरीके से दोस्तों। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे जो भी अभी जितनी भी इमेज आएंगी सब बड़ी आएंगी हमारे नीचे। फिर दोस्तों क्या करना है, सिंपली यहाँ पे एक इमेज दोस्तों क्या करना है, सिंपली ये जो हमारी पहली वाली दोस्तों इमेज जो है दोस्तों ये वाली, हमें क्या करना है इस तरीके से यहाँ पे इसे टिक करके से ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इमेज का ऑप्शन दिख रहा होगा इस तरीके से, इमेज पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको बॉक्स का आइकन दिखेगा ये वाला, आपको इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हल्का सा ऊपर करना है दोस्तों, फिर आपको पिक इमेज का ऑप्शन दिखेगा। आपको दोस्तों यहाँ से पिक इमेज पर क्लिक करने के बाद जो आपकी गैलरी है दोस्तों फोटो में आपके सामने सगले इंटरफेस के साथ शो हो जाएंगे। दोस्तों मैं यहाँ से एक अपनी जो हमें जीप रहती है टेम्पल की दोस्तों, मैं यहाँ से जीप अपनी जो मुझे टेम्पल के अंदर लगानी है दोस्तों वे वाली, मैं यहाँ से जीप ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं दोस्तों ऊपर करके देख लेता हूँ, जो उनसे अच्छी जीप लगेगी मैं उस आपके लिए लेकर दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, दोस्तों मैं ऐसे यहाँ से देख लेता हूँ हमारी जीप, ये दोस्तों अच्छी से ले लेता हूँ। आपको जितनी भी जो जिप लगानी या टेम्पल के अंदर लगानी सिखाऊंगा दोस्तों, जिप का लिंक मैं आपको मुझे डायरेक्शन बॉक्स में दे दूँगा। दोस्तों जल्दी तेज से ऊपर आ जाता हूँ थोड़ा सा। दोस्तों हमारी पहली वाली जिप है दोस्तों, ये वाली होने वाली है दोस्तों ये वाली हमारी पहली जिप है दोस्तों, हम इसे लगा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये वाली मैंने इस तरीके से लगा ली है। और दोस्तों क्या करना है, आपको इस वाली इमेज के ऊपर क्लिक करके रखना है दोस्तों, नीचे वाले को अपने क्लिक करना है दोस्तों, कॉपी हो जाएगी हमारी इस तरीके से वाली इमेज, जैसे दोस्तों हमारी नीचे की तरफ ये वाली दोबारा इमेज कॉपी होकर आ जाएगी। दोस्तों क्या करना है, सिंपली आप दबा कर रखना है आपको इमेज को दोस्तों, हल्का सा ऊपर करके तरफ कर देना है जैसे। ठीक है दोस्तों, दोस्तों मैं अपनी इमेज पर दोबारा नीचे वाली जो इमेज इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर बॉक्स आइकन पर जाता हूँ दोबारा से। यहाँ से दोस्तों मैं एक और इमेज मुझे ले लेनी है दोस्तों, ये वाली जो मेरी फर्स्ट में जो ये वाली दोस्तों इमेज है इसे मैं ले लेता हूँ। दोस्तों देखिए वाली मैंने इमेज ले ली दोस्तों इस तरीके से, ये वाली देखिए हमारी इमेज यहाँ लग चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मैं यहाँ से बैग मारता हूँ हल्का सा चलने के बाद, दोस्तों हल्का सा मुझे चलना है ऊपर की तरफ। दोस्तों आपको जो आपको ये कलर का ऑप्शन दिखेगा ना यहाँ पे, आपको यहाँ पे क्लिक करना है दोस्तों, आपको नीचे इस पर क्लिक करना है दोस्तों, सबसे नीचे वाला दोस्तों दिख रहा है ना वो कलर, आपको इन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हल्का सा ऊपर करना है। ऊपर करने के बाद दोस्तों जितनी भी हमारे ये दो हैं इंटरफेस है आपको कहते हैं ब्लैक कलर में दोस्तों इस तरीके से कर देना है। ठीक है दोस्तों, करने के बाद दोस्तों आपको इससे नीचे दोस्तों ये सेटिंग दिखेगी आपको ये वाली, आपको यहाँ पे इस तरीके से क्लिक कर देना है। और फिर आपको दूसरे नंबर पर दोस्तों ये वाला ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, पहले यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से करने के बाद दोस्तों हमारा जो पहला वाला पॉइंट जो हमारे सामने खुल के आ चुका है दोस्तों, हमें इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इसे पूरा 1000 खोल देना है दोस्तों। फिर इसके बाद जो आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों हमें डालना है दोस्तों चार। ठीक है दोस्तों, चार डाल देता हूँ दोस्तों 4000। ठीक है दोस्तों, 4000 डालने के बाद दोस्तों ये देखिए हमारे को इस तरीके से हमारा ये इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों क्या करना, सबसे पहली वाली जो इमेज इस पर मैं जाता हूँ, फिर दोस्तों हल्का सा नीचे चलने का करता हूँ हल्का बड़ा हल्का दोस्तों से, यहाँ पे जो आपको ये टिक का ऑप्शन दिखेगा दोस्तों इस वाले को उठा देना है। ठीक है दोस्तों, इससे हमारी इमेज थोड़ी बड़ी हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब ये करना है हमें दूसरे नीचे वाली इमेज पर जाना है। ये देखिए दोस्तों हमारे बीट के हिसाब से इमेज के इफेक्ट के हिसाब से ऐसे लगता रहेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं इस तरीके से हमारे बीट के हिसाब से दोस्तों बदलती रहेंगी, पंच बढ़ेगा घटेगा दोस्तों हमारी इस तरीके से, ये हमारी बढ़ती घटती रहेगी। दोस्तों क्या करना है आपको, सिंपली फिर दोबारा दोस्तों से इमेज उठा लेनी है। इमेज उठाने के बाद दोस्तों क्या करना है दोस्तों, आपको दोस्तों इमेज जैसे मैंने ले ली है तो दोस्तों अब इमेज के बाद दोस्तों हमें क्या करना है,
दोबारा दोस्तों यहाँ पर बॉक्स आइकन पर क्लिक करना है, फिर पिक इमेज पर क्लिक करना है दोस्तों। इस तरीके से जाने का दोस्तों मैं अपनी जो मेरी लाइट है दोस्तों, मैं लाइट का स्टैंड जो रहता है, मैं दोस्तों अपनी लाइट का यहाँ से इस तरीके से मैं अपनी लाइट का स्टैंड कौन से फोल्डर के अंदर दोस्तों, मैं अपना फोल्डर के अंदर जाकर लाइट का स्टैंड देख लेता हूँ। पहले मैंने लाइट का स्टैंड कहाँ रखा है ठीक है दोस्तों, उसे मैं ले लेता हूँ। फिर दोस्तों ये लाइट का स्टैंड यहाँ के अंदर नहीं पड़ा है दोस्तों, अभी वाला मेरा स्टैंड दोस्तों ये इस वाली फाइल के अंदर पड़ा है ठीक है दोस्तों। मैं से अपनी फाइल के अंदर से वाला स्टैंड ले लेता हूँ ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों ये देखिए हमारा स्टैंड, ये वाला हमें इस तरीके से ले लेना है ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों मैंने लाइट का स्टैंड ले लिया था दोस्तों, मैं क्या करना थोड़ा छोटा मैं स्टैंड ये कर लेना है। नीचे का आने के बाद दोस्तों आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा दोस्तों, आपको इस तरीके से ले लेना है। यहाँ से दोस्तों आपको इसे इस तरीके से छोटा बड़ा अपने हिसाब से कितना भी कर सकते हैं। यहाँ से दोस्तों मैं इस तरीके से इसे 300 350 के आसपास रहने देता हूँ ठीक है दोस्तों। फिर आपको इसे नीचे की तरफ लाना है, फिर दोस्तों आपको इसे 850 के पास रहने देना है दोस्तों। फिर सबसे नीचे की तरफ इसे लगा लेना है दोस्तों, साइड में इसे मैं कर लेता हूँ ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं जो इसके ऊपर सेटिंग है वाली आपको दिख रही होगी, आपको इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों तीसरे नंबर की जो सेटिंग आपको दिख रही है यहाँ पे आपको इस पर क्लिक कर देना है, जिससे दोस्तों हमारे इसमें के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए ठीक है दोस्तों। इस तरीके से करने के बाद दोस्तों दोस्तों फिर ऊपर चलने के बाद दोस्तों क्या करना है, सिंपली आप फिर नीचे वाली जो इफेक्ट दिख रही है दोस्तों आपको इस वाले दोस्तों ऊपर वाली इफेक्ट जो दिख रही है आपको इस वाली को कम कर देना है ठीक है दोस्तों। इसे कम करने का दोस्तों आपको जो फ्रंटर पर नीचे वाली सेटिंग के साथ खोल देना है इस तरीके से। इस तरीके से खोलने के बाद दोस्तों आपको नीचे जो 1000 दोनों पॉइंट स्टैंड पॉइंट खोल देने हैं दोस्तों ठीक है। स्टैंड के जो पॉइंट हमारे इस तरीके से खोलने दोस्तों, बीट के पंच के हिसाब से घटने बढ़ने के बाद दोस्तों हमारे इफेक्ट चलता रहेगा अच्छा खासा ठीक है दोस्तों। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करके रखता हूँ इमेज के ऊपर दोस्तों, हमारे सामने इंटरफेस आएगा ये वाला, इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारी इमेज जो है नीचे लाइट स्टैंड वाली कॉपी हो जाएगी। मतलब इसे कॉपी होने के बाद दोस्तों क्या करना है, सिंपली आपको नीचे की तरफ आना दोस्तों, आपको हल्का सा साइड में ले लेना है, आपको अपने हिसाब से लगा लेना ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों 750 रहने देता दोस्तों, मैं नीचे वाली इफेक्ट करती है अच्छी लग रही है हमारी ठीक है दोस्तों। फिर आपको दोस्तों ऐसी सगली में इस तरीके से लगा लेनी है ठीक है, जैसे मैं लगा रहा हूँ आपको भी इस तरीके से दोस्तों जल्दी जल्दी सगली इफेक्ट लगा लेनी है ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों मैं जैसे कर रहा हूँ आपको भी ऐसे करना है ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों हमारी तीनों के तीनों इफेक्ट ये लग चुकी है नीचे की तरफ। और दोस्तों क्या करना है, आपको सिंपली इमेज पर एक और क्लिक करना है। इमेज पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको लाइट ठा लेनी है दोस्तों, ऊपर चलता हूँ दोस्तों। ऊपर चलने के बाद दोस्तों यहाँ पे लाइट का ऑप्शन दिखेगा, इमेज पर बॉक्स में इमेज पिक इमेज पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से दोस्तों मैं एक अपनी लाइट ले लेता हूँ दोस्तों, ये वाली हमारी लाइट है दोस्तों। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना ठीक है दोस्तों। जी दोस्तों मेरी लाइट आ चुकी है दोस्तों, मैंने इसके अंदर भी सेटिंग है मैं इस तरीके से कर लेनी ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया स्टेप बाई स्टेप आपको ऐसे कर लेनी है। फिर दोस्तों आपको क्या करना, सिंपली ऊपर चलना हल्का हल्का दोस्तों। ऊपर चलने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा दोस्तों, बॉक्स के ऊपर आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करने का तो 3 डॉट जो दिख रहे हैं 3 वाला ये वाला दोस्तों आपको यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है, इससे हमारे अंदर की लाइट जो है इस तरीके से घूमने लग जाएगी दोस्तों। क्या करना है, फिर आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद दोस्तों आपको ये वाली जो ऊपर वाली इफेक्ट है इस पर जाकर बाद दोस्तों से इस तरीके से अपने हिसाब से इसके ऊपर लगा देनी ठीक है दोस्तों। जैसे मैं देखिए स्टैंड के ऊपर इस तरीके से लगा देने के बाद दोस्तों क्या करना है, अपना सा ऊपर चलना है, ये दोस्तों बड़ा कर लेता हूँ दोस्तों, थोड़ी मेरी लाइट 1500 के आसपास कर लेनी ठीक है दोस्तों। जैसे मैं दोस्तों लगा रहा हूँ ये देखिए दोस्तों इस तरीके से चलन देनी ठीक है दोस्तों। देखिए इस तरीके से दोस्तों हमारी देखिए बन जाएगी। और दोस्तों हमें क्या करना है, ये लाइट को इस तरीके से दोबारा इस तरीके से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों हमें इस तरीके से लाइट थोड़ी सी इंगे की तरफ भी इसके बराबर में लगा देनी है। देखिए दोस्तों इस तरीके से दोस्तों क्या करना है, दोबारा आपको इस तरीके से लगा देनी है लाइट। देखिए दोस्तों हमारी लाइट कॉपी हो चुकी है। और दोस्तों इसकी जो मैं लाइट है थोड़ी सी एक और लाइट रह चुकी है, देखिए लग चुकी है इसकी तरफ। और दोस्तों हमारे बीच वाली लाइट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको करना हल्का सा ऊपर चलना है, हल्का सा ऊपर चलने के बाद दोस्तों आपको ये वाली सेटिंग दिखेगी दोस्तों, आपको आपको ये वाली दोस्तों अपने हिसाब से खोल दें। इस समय दोस्तों टेम्पल का जो बैकग्राउंड की लाइट है वो कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगी देखिए दोस्तों। और दोस्तों क्या करना है, आपको सबसे पहली लाइट जो हमारी थी इस पर क्लिक करना है दोस्तों, आपको दोबारा से इस तरीके से क्लिक करने के बाद
अपने जो कलर वाले ऑप्शन है दोस्तों ये वाली इस तरीके से आपको ब्लैक कर देने हैं दोस्तों। सगले से मैंने आपको पहले वाले उसने बताया था दोस्तों, दूसरे नंबर पर क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों सगली इमेजों को तेतीस तरीके से ऐसे खोल देने पूरे 1000 दोस्तों, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया आपको ऐसी सगली इमेज खोल देनी है, जिसे दोस्तों आपकी बीट के हिसाब से ऐसे ही जल्दी जल्दी तेज बढ़ता घटता रहे, ठीक है दोस्तों। जो हमारे दोस्तों टेम्पल में और क्वालिटी के साथ अच्छा लगे, जो हमारी ये थोड़ी दोस्तों वो तेज इस तरीके से ऐसे कर देने दोस्तों, जैसे मैं कर रहा हूँ आपको भी ये ऐसे कर देने दोस्तों। देखिए इस तरीके से दोस्तों अब बुक्स को मैं अपने को ब्लैक कर देता हूँ यहाँ से। देखिए दोस्तों आपको भी ऐसे कर देना है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों बॉक्स पर आने के बाद दोस्तों आपको करना फिर पहले वाले पर फिर इस तरीके से ऐसे कर लेना है। अभी दोस्तों दूसरे नंबर के पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे दोस्तों जो ये वाले इन्हें इस तरीके से पूरे 1000 कर देने हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ऐसा करने के बाद दोस्तों ये देखिए हमने पूरे 1000 खोल दिए हैं दोस्तों। देखिए ये देखिए दोस्तों ये दोस्तों जो हम नीचे वाली का जो दोस्तों गलत मेरे से इमेज खोल गया था दोस्तों, इसे मैं ठीक कर लेता हूँ। और दोस्तों मैं पहले वाली जो इमेज इस तरीके से कर दिया, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों हमारा टेम्पल इस तरीके का दोस्तों पूरा केस फाइन टेम्पल वाला बन चुका है। और दोस्तों क्या करना है आपको इस तरीके से दोस्तों ये वाला ऑप्शन दोबारा से यहाँ पर इस तरीके से ले लेना है, ठीक है दोस्तों। जिससे दोस्तों हम टेम्पल के नीचे कोई इमेज नहीं लगा पाएंगे दोस्तों, हमारे टेम्पल यहाँ से बंद हो चुका है पूरा इस तरीके से। और दोस्तों बैक मारता हूँ, अरे देखिए दोस्तों हमारा टेम्पल बन चुका है। तो दोस्तों मैं सब चला के दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए दोस्तों ये दोस्तों देखिए हमारा टेम्पल इस तरीके का दोस्तों बन चुका है। देखिए दोस्तों इस टेम्पल का लिंक मैं आपको डायरेक्ट ऐसे ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इस टेम्पल को इस तरीके से अपने ई प्लेयर के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों अगर आपको हमारा टेम्पल अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, ठीक है दोस्तों। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना, लाइक कमेंट शेयर करना दोस्तों आपको। और दोस्तों हाँ अगली वीडियो आपको जिस प्रकार के ऊपर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको क्या करना है दोस्तों, अपने टेम्पल के जी फाइल के ऊपर जो पासपोर्ट रखा है दोस्तों वो वाला मैं आपको पासपोर्ट अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं बैक आ चुका हूँ, तो दोस्तों मैं चलो अपना पासपोर्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। क्या करना है मैंने फाइल के अंदर जाता हूँ, फाइल के अंदर जाने के दोस्तों मैंने फाइल के अंदर जाता हूँ दोस्तों। ये वाली हमारी देखिए टेम्पल इमेज ई प्ले गुरु जी दोस्तों, ये वाली हमारी ठीक है, ये वाली होने वाली है दोस्तों। दोस्तों आर ए आर वाली फाइल में जाता हूँ दोस्तों, आपको ये प्ले स्टोर पर मिल जाएगी और वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है दोस्तों। आपको करना ओके बटन पर क्लिक करना है दोस्तों। मैं पासपोर्ट यहाँ से पहले कॉपी करके रखा दोस्तों, मैं पेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों देखिए हमारे ये वाला पासपोर्ट है, देखिए रखो 777 555 6688 दोस्तों, ये वाला मेरा पासपोर्ट आपको इसे डाल देना, आप ये फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। ओके बटन पर क्लिक कर देना है। ये देखिए दोस्तों हमारे इस तरीके से हमारी पूरी फाइल ओपन हो चुकी है दोस्तों। बैक मार कर दोस्तों के बैक मारता हूँ, दोबारा फोल्डर के अंदर जाता हूँ दोस्तों। देखिए हमारी ये देखिए दोस्तों हमारे 5 का 5 अगले के सगले सामान हमारे आ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस पूरी से यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के लिए जरूर शेयर करना, ठीक है दोस्तों। जय हिंद जय भारत।